Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीपीसीएल टीजीटी2 में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, ट्रिपल सी से पूछा जाएगा। तो उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ और इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं आंसर शो करूंगा। तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए और चार ऑप्शन आपके साथ है, आप एक ऑप्शन को चूज करिए, आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और कंप्यूटर का यूपीपीसीएल टीजीटी2 के लिए ये मेरा पहला सेट है, ऐसा मैं 20 सेट बताऊंगा, उसमें आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, उसमें से 20 नंबर लाना है आपको। तो क्वालिफाई तो हम यूं ही करवा देंगे, आप 20 सेट आप मेरा देख लीजिए, क्वालिफाई करने की गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल और जोसेफ जैक्वार्ड। तो 10 सेकंड का समय है, आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। इन चारों में से एक आंसर होगा। कौन सा आंसर है? ए, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा और फोरट्रॉन भाषा। तो बताइए कौन सी भाषा पर काम करती है? 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा पे काम करती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चौथा नंबर देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी में है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बरहमपुर, सी नंबर में है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और डी नंबर में है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर का देखते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ इसमें चार ऑप्शन दिया है, डाटा संग्रह, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना और उपरोक्त सभी। तो बोलिए कौन सा होगा? 10 सेकेंड का समय आप लोग के पास भी है, सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। 6 नंबर देखते हैं, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका चार ऑप्शन है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दिमाग लगाइए कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर है वो सबसे तेज़ कंप्यूटर है। 7 नंबर देखते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो निर्मित परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसमें चार ऑप्शन दिया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन सही है। IMAC का एक प्रकार है। IMAC जो है किसका प्रकार है? मशीन का, प्रोसेसर का, प्रोग्राम का, रजिस्टर का। तो ये एक मशीन, एक टाइप का मशीन है IMAC, उसी का प्रकार है। 9 नंबर देखते हैं, WWW के आविष्कारक कौन है? तो ली एस फ्योंग, बिल गेट्स, वाटसन, टिम बर्नर ली। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, टिम बर्नर ली, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10 नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? इसमें चार ऑप्शन दिया है, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, लैरी पेज और लेडी लारा। तो कंप्यूटर का जनक या पिता किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 11 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दिया है, किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो ए में दिया है डुअल कोर, बी में i7, सी में सेलेरॉन और डी में एंड्रॉयड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी, जो एंड्रॉयड है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा एंड्रॉयड। 12 नंबर देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। तो भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था कंप्यूटर का। तो ये ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। 13 नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो सोचिए कौन सा होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की जानकारी रखना, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इनपुट को, नंबर को, डाटा को, प्रोसेसर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डाटा को करता है। 15 नंबर देखते हैं, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया, जी एकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज और सिमेन कोर्सकोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन का निर्माण किया है। 16 नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया है, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्वार्ड, ब्लेज पास्कल और वॉन न्यूमैन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोच के बताइए। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, आराम से पढ़िए, सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको लगभग क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे हम। 17 नंबर का देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार का पदार्थ होता है। तो ए में आयरन ऑक्साइड, बी में सोडियम फ्लोराइड, तीन में मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चुंबकीय डिस्क पर किसका लेयर होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, आयरन ऑक्साइड का, ए ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का देखिए, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाना जाता है। तो रिजोल्यूशन बोलते हैं उसको, कि कलर डेप्थ बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं, व्यूइंग साइज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोच के बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है, हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल में पिक्चर फट नहीं रहा है जूम करने पे, तो रिजोल्यूशन के कारण ही होता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा पिक्चर जूम करने पे फटेगा नहीं, उसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है, जावा, फॉक्सप्रो, पेरल और ओरेकल। इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बताइए। इसमें से डी, ओरेकल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। 20 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और गूगल प्लस। इसमें से बताइए कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गूगल प्लस जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। 21 नंबर का देखते हैं, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। तो HTTP का क्या बोलते हैं इसको, तो होस्ट बोलते हैं, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, टॉप लेवल डोमेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये एक प्रोटोकॉल है। 22 नंबर देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है, मापन पे, गणना पे, विद्युत पे और लॉजिक पे। सोचकर बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये गणना के हिसाब से काम करता है। 23 नंबर का देखते हैं, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? T3A, ENIAC 3, परम 10,000 और J8। तो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सी, परम 10,000 इकाई, 10,000, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर में विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, सिद्धार्थ, परम, डीप। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन, ENIAC जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। 25 नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसको बोलेंगे? तो इसका ए नंबर, पहला नंबर में दिया है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। नीचे दिए गए कूट को उत्तर चयन करें। मतलब इन तीनों लाइन में से कंप्यूटर के लिए कौन कौन सा सही है? तो इसका देखिए आंसर डी ऑप्शन सही है, तीनों जो है कंप्यूटर के लिए सही है। 26 नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। 27 नंबर का देखते हैं, चिहात्मक डाटा मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपरोक्त में से सभी। किसका प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त में सभी। अंक का भी उपयोग करते हैं, अक्षर का भी करते हैं और चिन्ह का भी उपयोग करते हैं। 28 नंबर का देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथा पीढ़ी। बताइए माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए, सोचकर आंसर दीजिए और दोबारा हो सके तो दोबारा देखिए, आपको याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये। गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो भारत, अमेरिका, चीन, यूनान। कहाँ हुआ है? तो इसका चीन में हुआ है। 30 का देखिए, FTP का पूरा क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल। तो FTP का जो पूर्ण रूप है उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं हम लोग 31, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, इसे इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर में। चिन्हात्मक डाटा अल्फान्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपरोक्त सभी। तो पहले भी बता चुके हैं, सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फान्यूमेरिक डाटा में सब का प्रयोग करते हैं, अंक का, अक्षर का, चिन्ह का और उपरोक्त में से सभी। इसका डी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का देखते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कंप्यूटर का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीय, बुद्धिहीन और विविधता। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। कंप्यूटर बुद्धिहीन नहीं होता है, बहुत समझदार होता है। बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? बैंकिंग का जो लेन देन होता है उसमें ECS का क्या अर्थ होता है? तो एक्सेस, क्रेडिट, सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश, स्टेटस, एक्सचेंज, रिफाइलिंग स्टैंड और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ECS का जो पूर्ण रूप होता है उसको डी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर का देखते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मोवल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का प्रयोग किया था, इसका ए ऑप्शन सही है, जोसेफ मेरी। आप लोग भी आंसर सोचिए दोस्त, 10 सेकंड का समय आप लोग को दिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो बताइए किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, चार्ल्स बेबेज ने, CB रमन ने, रॉबर्ट नायक ने और JS किल्बी ने। किसने किया है इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण? तो इसका डी हो जाएगा, JS किल्बी ने किया है। 36 का देखते हैं, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? प्रिंटर है, पाथ है, फाइल है, प्रिंट आउट है। कौन सा इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फाइल हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। 38 का देखते हैं, इंटरनेट संबंधित है, सॉरी गलती से टाइप हो गया, इंटरनेट होगा, इथरनेट लिखा गया है। इंटरनेट किससे संबंधित है? लैन, रैन, वैन, मैन। किससे संबंधित है? ए से। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, LAN का मतलब, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का देखते हैं, इनमें से कौन से डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस से किससे संबंधित है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एसेस, नोटपैड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, MS एक्सेस। और 40 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट और जीमेल। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? आप लोग तो इसका आंसर आराम से दीजिएगा, सोशल मीडिया कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जीमेल जो है वो सोशल मीडिया साइट नहीं है, बाकी फेसबुक, ऑरकुट और गूगल प्लस ये सब सोशल मीडिया है। दोस्तों, कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 1-2 दिन में दूसरा पार्ट बना के लाऊँगा और उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे लगभग, जो कि टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, CCC जो दिया है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस पूरा करवा दूँ कंप्यूटर का। साथ ही साथ मैं UPPCL इलेक्ट्रीशियन का जो क्वेश्चन है उसको भी करवाता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी तरह से UPPCL जो TGT2 है उसका तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य बताऊंगा आपका। धन्यवाद।